कैसे होंगे? और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी इस वक्त मैं बाहर आई हुई हूँ, मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है आज, तेज़ तेज़ ठंडी ठंडी हवा चली हुई है जो कि सर्दियों में चलती है। तो वैसे तो गर्मियों में जब ये हवा ठंडी चलती है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आज है ना हमें सर्दी लग रही है क्योंकि अभी सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा है। धूप तो वैसे निकली हुई है लेकिन फिर भी ठंडी हवा लग रही है। तो आज का मौसम माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना हुआ है। गंदम की बिजाई भी काफ़ी दिनों पहले हो चुकी है। आप सब चार चफेरे जना गंदम नज़र आ रही है और घास वगैरह, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हमारा गांव वैसे भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है, यहाँ के दरख्त सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज भी हम एक रेसिपी बनाने वाले हैं, न्यू रेसिपी है, वो आप लोगों से शेयर करेंगे। तो उसके अलावा काम वगैरह मैंने ख़त्म कर लिया, अब ज़्यादातर जना सुबह के टाइम में सारा काम खत्म करने के बाद दिन में मैं जना अच्छे से रेसिपी बनाती हूँ। इसलिए दिन के टाइम में अच्छे से हम वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करते हैं। तो आपने लाइक ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और हमारे वीडियो से जुड़े रहना है। तो अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ और मिसाले इसके लिए जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी साथ में ले आई हूँ, और आप काटते हैं और बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आलू को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, तो इसका हमने अच्छी तरह से छिलका उतारना है। तो कैसे ये रेसिपी बनती है ये साथ साथ मैं आपको बताती आऊँगी। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है और दिन के टाइम में वैसे भी आप लोग खाने में बना सकते हैं। तो इसका नाम है आलू कबाब। तो आज ये रेसिपी मैं बना रही हूँ, मैं भी बना फर्स्ट टाइम आई हूँ, पहले नहीं बनाई है। तो असल में जो रेसिपी मैंने अभी तक नहीं मतलब बनाई है वो सारी अब मैं बनाती हूँ। इस तरह से हमें छिलका सारे आलुओं को उतार लेना है। तो मैंने चार आलू आप लोग देख रहे हैं लिए हैं, तकरीबन आधा किलो आलू है। तो पहले भी मैंने इनको अच्छी तरह से धोया, फिर भी मैंने इसमें पानी डाल के रखा है दोबारा से इसको धो के। तो इसको हमने काटना नहीं है जैसे हम सालन के लिए काटते हैं। तो इनको हमने ये कद्दूकश ले हैं, कद्दूकश करने हैं क्योंकि हम बना रहे हैं कबाब, तो उसके लिए काटने से नहीं बनते, इसलिए हम कद्दूकश करेंगे। तो बारीक बारीक इनके स्लाइस बनाएँगे। तो आलू को मैंने फिर से भी धो लिया है, तो अब इनको कद्दूकश करते हैं। ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक। तो कद्दूकश मैंने कर लिए हैं, ये देखें। तो अब इसमें ठंडा पानी डालेंगे और ये आलू जो मैंने कद्दूकश किए हैं ये इसमें डाल देंगे। तो तकरीबन एक मिनट तक हमने इसको इसमें ऐसे रखना है, उसके बाद इसका पानी निकालेंगे। तो ये अभी इधर रखते हैं। तो उसके अलावा कुछ और मसाले भी तो तैयार करने हैं, वो भी करते हैं। तो ये टमाटर भी मैं अच्छी तरह से धो कर ले आई हूँ। तो मसाले मैंने सारे पहले से धो लिए हैं, तो इस तरह से पतले पतले बिल्कुल इसके स्लाइस बनाने हैं। तो ये देखें मैंने इसके स्लाइस से जिस तरह काटते हैं उस तरह से काट लिए हैं। अभी हरी मिर्च है, चार से पांच हरी मिर्च लेनी है, इनको भी बारीक बारीक काटना है। तो ये साथ में सब्ज धनिया भी है, तो इसको भी साथ साफ कर लेते हैं। तो अभी ये मैंने ठंडे पानी में भिगो के रखे थे, तो अब इसका एक छानी हो तो उसमें आप निकाल सकते हैं, मैंने इस बच्चे में निकाल दिया है। तो इनका पानी जो है ना हमने अच्छी तरह से निचोड़ लेना है।
और अलहदा फिर इसको निकाल लेना है। तो वो भी साले मैंने तैयार कर लिए हैं और इसको बखेर के मैंने रख दिया है। तो एक अदद हमने प्याज लिया है, इसको काटते हैं अब। तो वो मसाले तकरीबन मैंने सारे मतलब बना लिए हैं, काट भी लिए हैं। तो अब ये आप लोग देख रहे हैं, मैंने कुछ बखेर के रखा था, इसमें से मैंने पानी बिल्कुल निचोड़ लिया है। तो अब इसमें मसाले इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हमने एक चम्मच खुश्क धनिया लिया है, उसके अलावा लाल मिर्च एक लिया है, जीरा लिया है एक चम्मच, उसके अलावा नमक लिया एक चम्मच। तो ये हम इसमें डाल देंगे। लेकिन जो मिसाल मैं इसमें डाल रही हूँ, इससे ज़्यादा भी आप लोग डाल सकते हैं, क्योंकि मैं जितने बना रही हूँ उसी हिसाब से डाल रही हूँ। तो ये प्याज हैं, ये भी हम इसमें छोटे छोटे कटे हुए हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं। उसके अलावा ये सब्ज़ धनिया भी है, ये भी इसमें डाल देते हैं। और ये हरी मिर्च भी। तो अब इसमें मैदा डालेंगे हम तकरीबन 3 चम्मच के बराबर। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, इसमें पानी नहीं डालना है अभी। तो इसमें आलू का पानी होता है ना, उसी से ये मिक्स हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने मसाला बिल्कुल तैयार कर लिया है। तो अब हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमने बनाना है। तो इस तरह से हमने बनाने हैं और ये देखिए इस तरह से अभी हमने बना के रख देने हैं। सारे तकरीबन ऐसे ही बनाने हैं। तो ये देखिए कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं, अभी तो सिर्फ बनाए हैं। तो अभी आग जलाते हैं और फिर इनको फ्राई करते हैं। ये सिंपल सा तरीका है और ज़्यादा देर भी नहीं लगती है और बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो कढ़ाई मैंने ऊपर रखती है और अब इसमें घी डाल देते हैं। तो अभी घी को हमने बिल्कुल गर्म करना है अच्छी तरह से। तो घी गर्म हो चुका है, अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो 2 मिनट इसमें डाल दिए हैं, तो अभी इसे जो करके मैं बनाऊंगी। तो एक साइड तकरीबन 5 मिनट तक हमें पकाने के बाद साइड चेंज करनी है। तो अब गरम की साइड गरम चेंज करते हैं। तो माशाल्लाह से हमारे आलू कबाब तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही, बहुत ही इसके बने हुए हैं। मेरी आँखों में धुएं से पानी सा रहा है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं, लेकिन अभी गर्म है, अभी अभी मैंने बनाए हैं। तो अभी कुछ और रहते हैं वो बनाती हूँ। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी है तो आप लोगों ने बताना है। तो इंशाल्लाह आगे भी अच्छी अच्छी रेसिपी बनाकर आप लोगों से शेयर करेंगे। तो वीडियो का एंड रिव्यू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आज मैंने न्यू रेसिपी बनाई है जो कि आप लोगों से शेयर की है। तो आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आप लोगों से शेयर करूँगी। वीडियो का एंड रिव्यू करते हैं। मिलेगी इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।